खबर उमरिया जिले की, जहां पाली थाना क्षेत्र में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीती रात अज्ञात चोरों ने गिजरी गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां से सोने चांदी के जेवरात सहित नगद 40,000 रुपए लेकर चंपत हो गए। वहीं पाली खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रखे कंप्यूटर सहित शासकीय दस्तावेज चोरी किए गए। पाली थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है। यहां चोर मस्त और पुलिस सुस्त की कहावत चरितार्थ होते नजर आ रही है। आपका गुड डे। ये आपके यहाँ चोरी कब हुई थी? कल भाई। क्या क्या चोरी हुआ? गहना, चांदी, चरपट। क्या क्या लेके गए? डोर दुई जोड़ी पायल, दुई जोड़ी हाथ के नटाई के लाकेट, 3 जोड़ी रहा। और नगद कितना था? नगद हो गया 5 किलो। नहीं नहीं, पैसा कितना था? 40,000। आपको जानकारी कैसे हुई? जानकारी साहब पाली ऐसे बाहर गए, बाहर से आए तो देखें कि यहाँ तो दीवार फूटा रहा। फिर इसके बाद क्या किए? इसके बाद होएगी लड़का लोग बताएं कि ये मेरे होएगी तो जागी, फिर गांव बस्ती जाके बताएं, तब आके गांव वाले देखें। थाना में सूचना दे दी है? हाँ। पुलिस आई थी? हाँ आई थी। कितने का नुकसान हुआ है आपका? होएगी 5-6 लाख का नुकसान हुआ है। नाम है? रंजीत बैगा। कब चोरी हुई आपके यहाँ? कल रात को। क्या क्या लेके गए? सोना चांदी। नगद कितना रहा? 40,000 आवास योजना पैसे निकालो आके लेके आया छत गिराने। इसकी सूचना दे दी हो थाना में? हाँ, पापा लोग गए हैं। कैसे जानकारी हुई चोरी की? सुबह 5 बजे। इस खबर पर हमारे उमरिया ब्यूरो प्रदीप त्रिपाठी दीपू फोनलाइन पर मौजूद है, जिनसे चर्चा कर लेते हैं क्या पूरा ये मामला है, कैसे आखिर ये घटना घटी। हितकिशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां बीती रात्रि ग्राम पंचायत गिंजरी में वहां के रहने वाले रत्तू बैगा पिता सुखसेन बैगा के घर में अज्ञात चोरों ने सेंधमारी करके चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी ये सामने आई है कि यहाँ जो इस परिवार है, पीड़ित परिवार है, उसके घर में चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित 40,000 नगद की चोरी की है। उनके घर में ये बताया गया था कि ये अभी हाल में ही बेटे की शादी करने वाले थे, उसके लिए जेवरात एकत्रित किए थे। वही बीते दिनों अभी बेटे की शादी किए थे तो उसके भी जेवरात थे, साथ में ही उस घर की जो महिला है उनके भी जेवरात थे। तो कुल मिला के उनके घर में जितने भी सोने चांदी के जेवरात थे वो सब अज्ञात चोरों ने पार कर दिया है। वहीं जो आवास योजना की एक किस्त आई थी, जिसमें भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके लिए 40,000 रुपए उनके पास जो शासन की राशि उनको मिलती है वो उनके घर में रखा हो, तो वो भी अज्ञात चोरों ने चुरा लिया है। वहीं दूसरी बड़ी घटना जो पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के BMO कार्यालय का है, वहां से सामने आया है। वही ये बीती रात्रि की दोनों घटना है। कल रात जो बीती रात्रि है वहाँ BMO कार्यालय में रखा 2 नग कंप्यूटर सेट और 1 इन्वर्टर सहित 1 प्रिंटर की चोरी होने की खबर सामने आई है। यहाँ जो अस्पताल प्रबंधन है ये चोरी की घटना को लेकर के काफी आक्रोश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो चोरी की घटना भी घटनाकारित की गई है वो एक खिड़की को तोड़ करके की गई है। वहाँ जो अज्ञात चोर हैं वो खिड़की तोड़ करके और वहाँ कार्यालय में प्रवेश किए, इसके बाद वहाँ 2-3 कमरों में भी तोड़फोड़ की है। वहाँ जो आवश्यक दस्तावेज रखे थे उसकी चोरी कर ली गई है। इसके साथ ही जो कंप्यूटर है, 2 नग कंप्यूटर सेट था, इन्वर्टर था और प्रिंटर था, वो भी ले गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने उनका साफ तौर पर ये कहना था कि यहाँ चोरों का आतंक मचा हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अस्पताल थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, और उसके अलावा यहाँ जो है आवासीय कॉलोनी है, उसके बावजूद चोरों के हौसले यहाँ बुलंद नजर आ रहे हैं। चूंकि अस्पताल में जिस तरीके की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो चोरों के हौसले हैं वो उजागर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, चोरों के हौसले बुलंद हैं। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही? 2 जो ताजा प्रकरण जिनका आपने अभी उल्लेख किया, एक जहां जेवरात चोरी किए गए हैं, 40,000 नगद चोरी हुए हैं, दूसरा जहां कंप्यूटर चोरी हुआ है, शासकीय दस्तावेज भी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है,
इन दोनों मामलों में पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? देखिए, इस संबंध में जो यहाँ के डीएमओ हैं वीके जैन, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि अभी पुलिस को हमने इस घटने की सूचना दे दी है और इसमें सूचना देने के बाद उसमें क्या कुछ चोरी हुआ है वो सब कुछ इकट्ठा करके पूरी जानकारी एकत्रित करके बताई जाएगी। वहीं इस मामले में जो गिंजरी के हैं, बैगा परिवार है, जो उनका कहना था कि इस घटने की जानकारी सुबह मिलने के बाद ही हम थाना पहुँच करके इसकी सूचना दर्ज करा दी है। और इस मामले में हम जब थाना प्रभारी से बात करना चाहे तो वो चूंकि अवकाश में है तो उनसे बात नहीं हो पाई है, तो अन्य जो पुलिस के द्वारा इसमें आवश्यक क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है वो आने वाला समय ही बताएगा। जी बिल्कुल, यहाँ ताज्जुब ये होता है प्रदीप त्रिपाठी जी, कि हम पिछले दिनों से उमरिया जिले की अगर बात कर रहे हैं तो कबाड़ चोरी की घटनाएं, कबाड़ियों का इस तरह से बड़े बड़े जो इक्विपमेंट है उन तक को, पाइपलाइन को चोरी करना, बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई। बाइक चोरी की घटनाएं लगातार हम सुन रहे हैं। अब ये शासकीय कार्यालय में चोरी, कंप्यूटर चोरी करना, शासकीय दस्तावेजों को चोरी करना, एक घर से सोने चांदी के जेवरात चुरा लेना, 40,000 नगद चोरी कर लेना, तो ऐसा नहीं लगता कि डीसी सागर जैसे एक्टिव अधिकारी जहां पोस्टेड हैं उस क्षेत्र में थाना प्रभारी और उनसे ऊपर के जो अधिकारी हैं, यानी जो डीसी सागर के मातहत अधिकारी हैं, वो इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि चोर एकदम मस्त है और पुलिस पस्त है? हित किशोर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उमरिया जिले के पाली और नरोजाबाद थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते दिनों नरोजाबाद क्षेत्र में देखा जाए तो कम से कम 1-1.25 करोड़ के ऊपर की चोरी हुई है अलग अलग स्थानों में, जहां नकदी सोने चांदी के जेवरा सहित नकदी चोरों ने पार कर दिए हैं। वहीं पाली थाना में जो ये घटना हुई है ये भी छोटी घटना नहीं है, क्योंकि चोरों के लगातार हौसले बुलंद। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ जो कबाड़ माफिया है वो काफी सक्रिय है, औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र से भी चोरियाँ लगातार हो रही है। वहीं आसपास क्षेत्र में देखा जाए, बीते दिनों में आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पाली थाना क्षेत्र के ही जो वार्ड नंबर 1 सूखा टोला है, वहाँ लगभग 2 महीने के दौरान दर्जनों चोरियां हुई हैं, जिसमें समर्थिबल पंप के अलावा अन्य चोरियां शामिल रही हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी जो चोरी की घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं इसमें जो कबाड़ माफिया है उनकी भूमिका स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ जो कबाड़ माफिया है आज दिन देखने में आता है कि जो आसपास के क्षेत्र हैं तो कहीं पाइप की कटिंग कर लेना या अन्य जो उपकरण लगे रहते हैं उनको भी काट देना। कल जो अस्पताल बीएमओ कार्यालय में जो घटना हुई है उसमें ये भी बात सामने आई है कि जो एसी उपकरण के जो उसमें पीतल और उसके पार्ट्स लगे थे वो भी उनके द्वारा वहाँ से चोरी कर लिए गए हैं। अब इसमें ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर के आगे पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी तक इसमें एफआईआर हुई है या नहीं हुई है ये खुलकर सामने बात नहीं आ रही है, लेकिन इन दोनों मामलों को लेकर के थाना में शिकायत की गई है। जी बिल्कुल, थाने तक शिकायत पहुंची और हो सकता है कि वरिष्ठ अधिकारियों तक भी ये विषय पहुंचे, लेकिन जब घटनाएं इतनी लगातार बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुलिस के किसी ना किसी अधिकारी का संरक्षण या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इशारा करता है कि चोर एक्टिव है, लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ये दोनों स्थितियां भी अभी अस्पष्ट हैं। और चोरी की घटना अगर क्षेत्र में हो गई है और शिकायत थाने तक पहुंच गई है, उस मामले में जहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी तो वो कार्रवाई तो कम से कम अभी जो वर्तमान में आप बात कर रहे हैं उससे कोई संकेत ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि फरियादी थाने तक पहुंचा हो और पुलिस स्पॉट तक पहुंच गई हो, ऐसा कुछ फिलहाल तो दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लगातार खबर पर जानकारी जो नजर है वो बनाए रखिएगा, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद।